भी इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं बलदेव विद्याभूषण जी जगन्नाथपुरी के बाद वृंदावन गए और वृंदावन में उन्होंने गौड़िया वैष्णव संप्रदाय को क्या योगदान दिया विश्वनाथ चक्र ठाकुर के साथ मिलकर उन्होंने गौड़िया वैष्णव संप्रदाय को उठाया क्या क्या किया हम ये सब डिस्कस करेंगे ओके तो मैं पिछले लेक्चर में बता रहा था कि जगन्नाथपुरी में राधा दामोदर से दीक्षित होकर वो राधा दामोदर जी ने खुद ने कहा कि आप इतना बन जाइए विश्व चक्र ठाकुर के अंडर शिक्षा लीजिए तो चक्र ठाकुर बलदेव विद्याभूषण के शिक्षा गुरु हो गए दीक्षा गुरु राधा दामोदर जी और चक्र ठाकुर के वहाँ जाकर बलदेव विद्याभूषण जी ने गोस्वामियों की और किताबें पढ़ीं और स्पेसिफिकली श्रीमद् भागवतम पढ़ी चक्र ठाकुर से जिसमें वो एक्सपर्ट थे और आ, हाँ बलदेव जी अपनी कमेंट्री में बलदेव जी अपने अपने मंगलाचरण में बलदेव जी ने कमेंट्री लिखी है दशम स्कंद और वहाँ और दशम स्कंद में अपनी अपने अपनी कमेंट्री में मंगलाचरण में बलदेव जी लिख रहे हैं सनातन श्रीधर विश्वनाथ दयालव सम्प्रति आ, शक्ति रसिका तो वो लिख रहे हैं कि विश्वनाथ चक्री ठाकुर की दया से मुझे शक्ति मिली रस का स्वादन करने के लिए तो इससे मैं पता लगता है कि जो जो रस में प्रवेश था वो के ठाकुर ने दिया गौरिया वैष्णव तत्व में प्रवेश राधा दामोदर जी ने पहले ही दे दिया था जगन्नाथपुरी में जिसको पढ़ के इनफैक्ट वो कन्विंस हुए कि महाप्रभु की संप्रदाय महाप्रभु का सिद्धांत संप्रदाय महाप्रभु का सिद्धांत वो मधबा संप्रदाय के सिद्धांत को और ऊंचाई पे ले गया वरना वरना वो कन्वर्ट वरना वो वरना वो क्यों गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में आ, गौड़े वैष्णव सिद्धांत को स्वीकार करते ऑफ कोर्स तो उसके बाद आ, वो वृंदावन में रहे बल्देव विदेभूषण के साथ उन्होंने बहुत हेल्प की उनको किताबें लिखने में रिसर्च करने में और ऑफ कोर्स क्योंकि क्योंकि बल्देव विदय का बैकग्राउंड मधवा संप्रदाय से था और वो वेद में और संस्कृत में बहुत प्रवीण थे स्पेशली द्वैत सिद्धांत में तो मायावाद खंडन करने में बलदेव विदभूषण जी ने विश्वनाथ चक्र ठाकुर की बहुत हेल्प की और अपनी भी कई कई ग्रंथ ग्रंथों की रचना की अपनी भी कई टीका लिखी जो मैं बाद में बात करूँगा मगर एक बहुत इम्पोर्टेंट इंसिडेंस है जयपुर का और जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि जयपुर में बहुत बड़ी पहले के लेक्चर में जयपुर में क्या हुआ था विश्वनाथ ठाकुर ने बलदेव विदेभूषण को वहाँ भेजा था मगर ब्रीफ में जयपुर में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी उठ गई कि राधा कृष्ण की जो पूजा है वो साथ में नहीं होनी चाहिए तो उनको अलग कर दिया जाए तो जय सिम्हा जो राजा था उन्होंने राधा कृष्ण की ड्यूटीज़ को अलग कर दिया और उन्होंने एक और कंट्रोवर्सी उठी कि ये जो संप्रदाय गौड़िया वैष्णव संप्रदाय इसकी संप्रदाय है ही क्यों इनके सिद्धांत को माने ही क्यों क्योंकि उन्होंने वेदांत सूत्र पर कमेंट्री नहीं लिखी इन्होंने वेदांत सूत्र पर कमेंट नहीं लिखी जिन्होंने वेदांत सूत्र पर कमेंट नहीं लिखी तो उनको संप्रदाय को मानने को तैयार ही नहीं है ये भी एक कंट्रोवर्सी उठ गई तो इन दो सिद्धांतों को काटने के लिए गौड़िया वैष्णव संप्रदाय को स्थापित करने के लिए जयपुर में उन बलदेव देवभूषण जी को विष्णु ठाकुर ने भेजा विष्णु ठाकुर उस टाइम काफ़ी ओल्ड हो गए थे तो उन्होंने बलदेव देवभूषण जी को भेज दिया और वहाँ पर जाके उन्होंने पूरी तरह निरस्त कर दिया इन दो सिद्धांतों को उन्होंने प्रूव कर दिया राधा कृष्ण की पूजा लेजिटिमेट है वैलिड है उपयुक्त है शास्त्रों से अधर्म नहीं है उनकी उनका विग्रह बनाना और उनकी पूजा करना साथ में और उन्होंने गोविंद जी की कृपा से विधान सूत्र पर कमेंट्री भी लिख दी अट्ठारह दिनों में कहते हैं कुछ लोग कुछ लोग अट्ठारह दिनों में कुछ लोग एक हफ्ते में कुछ लोग एक महीने में बट जो भी अगर एक महीना भी लगा लो विधान सूत्र पर कमेंट्री लिखना तो बच्चों की बात नहीं लोगों को सालों साल लग जाते अपने सिद्धांत के अपने अचिंत्य भेद सिद्धांत को रखते हुए उन्होंने कमेंट्री लिखी, जिसका नाम उन्होंने रखा गोविंद भाष्य और इस इनफैक्ट अगर आप जयपुर में जाएंगे जिसका नाम गोविंद भाष्य रखा क्योंकि उन्होंने बोला कि ये भाष्य स्वयं साक्षात गोविंद जी ने लिखवाया है और उस गोविंद भाष्य को पढ़ के सब लोग सबने हार मान ली और बल्कि कई कई लोगों ने बलदेव विजयभूषण से दीक्षा लेने को भी प्रार्थना की और इनकी विजय देखकर जय सिम्हा जी ने उनको टाइटल दिया विद्याभूषण जी का बलदेव विद्याभूषण जो टाइटल है वो उनको जयपुर में मिला विद्याभूषण इनफैक्ट बलदेव विद्याभूषण खुद लिख रहे हैं कि मुझे टाइटल वहाँ जयपुर में मिला मुझे मिला गोविंद जी की कृपा से और वो कोट कर रहे हैं यहाँ पर विद्या रूपम भूषणम में प्रदायाख्यातिम निन्ण तेनाम उदार श्री गोविंद स्वप्न निर्दिष्ट भाष्यो राधा बंधुर बंधु अनुरागा सजियात वो कोट कर रहे हैं और ये उन्होंने कोट कहाँ किया है यहाँ पे ये उन्होंने कोट किया है आई थिंक हाँ तो भक्ति uh, uh, सूत्र कार्य का भाष्य सूत्र कार्य का भाष्य बलदेव दूषण जी ने दो विधान सूत्र पे दो कमेंट्रीज लिखी हैं एक है गोविंद भाष्य जो कि बहुत uh, डिटेल में एक छोटा लिखा है सूत्र कार्य का भाष्य और एक भाष्य जयपुर की लाइब्रेरी में मिल जाएगा जो जो किंग्स की लाइब्रेरी आज भी और आ, कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने पहले ये छोटा भाष्य लिखा क्योंकि क्योंकि इमरजेंसी थी आ, जल्दी भाष्य देना था और एक बड़ा गोविंद भाष्य लिखा मगर इसको मानने में हम आ, थोड़ा सा इ, थो, इ, इ, ये ठीक नहीं लगता क्योंकि अगर छोटा भाष्य लिख दिया तो बड़ा लिखने की क्या जरूरत ही क्या थी अगर सब हार ही गए थे क्योंकि श्रीमद भागवतम ही वेदान सूत्र पर एक भाष्य हम तो ये मानते हैं बलदेव विद्याभूषण ने यही आर्ग्यूमेंट दिया पंडितों को कि हमें भाष्य लिखने की जरूरत नहीं है श्रीमद भागवतम ही विदान सूत्र पर प्राकृत भाष्य अर्थ ब्रह्म एम नाम भागवतम महाप्रभु ने मैं यही सिखा है उन्होंने कहा नहीं नहीं फिर भी आपको लिखना पड़ेगा तो अगर वो छोटा भाष्य लिख देते तो बड़ा क्यों लिखने की जरूरत है काम हो जाता इसलिए ऐसा लगता है कि उन्होंने बड़ा गोविंद भाष्य लिखा और जो राजा थे जय सिम्मा उनकी संतुष्टि के लिए उनके लिए उन्होंने छोटा किताब भी लिखी और वो इस किताब में किस किताब में लिख रहे कि मैं छोटा भाष्य जो राजा है उनकी संतुष्टि के लिए उनके लिए लिख रहा हूं वहां पे उन्होंने ये श्लोक भी कोट किया है कि उनको विद्याभूषण टाइटल कैसे मिला तो कहना विद्या रूपम भूषणम में तो वहां उन वो फेमस हुए किंग ने उनको टाइटल दिया जय सिम्मा जी ने कि विद्या के भूषण है आभूषण है और उनकी वैसे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय की रक्षा हो गई और फिर उसके बाद यही नहीं जयपुर में उन्होंने एक एक अर्च विग्रह की स्थापना की जिसका नाम था विजय श्याम सुंदर जो आज भी जयपुर में उनकी पूजा होती है जो आज मंदिर है विजय श्याम सुंदर जी का और जानबूझ के उसका नाम उन अर्च विग्रह का नाम विजय श्याम सुंदर रखा गया ये ब, ये बताते हुए कि बलदेव विद्याभूषण जी ने विजय प्राप्त की थी इस डिबेट में इसलिए विजय श्याम सुंदर रखा गया विजय बलदेव विद्याभूषण विजयी हुए उस उस उसकी स्मृति में उन्होंने इस अर्च का नाम विजय श्याम सुंदर रखा और ऐसे ही वृंदावन में उन्होंने विजय गोविंद जी की डीटीज एस्टैब्लिश की विजय गोविंद जी की अर्च उन्होंने स्थापित की जो आज भी आप, आप देख सकते हैं आनंद मंदिर में विश्व चक्र ठाकुर की वहाँ पे अर्ज हैं राधा आनंद साथ में बहुत बड़े विजय राधा विजय गोविंद जी हैं जिनके बलद विद्याभूषण पूजा करते थे उनकी समाधि बल विद्याभूषण डिसअपियर कब हुए ये हमें एग्जैक्टली पता है सेवनटीन में क्योंकि ये हमें कैसे पता क्योंकि जयपुर के जो राजा थे वो पहले इम्प्रेस बल विदूषण से बहुत ज़्यादा और इनफैक्ट वैष्णव सिद्धांत गौड़िया वैष्णव सिद्धांत भी उन्होंने हृदयंगम किया और बलदेव विद्याभूषण जी का जब डिसअपेरेंस हुआ तो उन्होंने तो उन्होंने सब जगह लेटर लिखा और, और तो उन्होंने बहुत बड़ा फंक्शन किया अपने जयपुर में उनका डिसअपेरेंस डे बनाया और इसका रिकॉर्ड है जयपुर की लाइब्रेरी में तो इसलिए मैं पता है सेवनटीन में उनका डिसअपेरेंस हुआ और एग्जैक्ट कौन सी डेट को हुआ वो भी मैंशनड है इसलिए हम बलदेव विदभूषण जी का डिसअपेरेंस डे बनाते हैं हमें पता है और आ, आ, बल्कि अगर आप वृंदावन जाएंगे बलदेव विदेव भूषण जी की समाधि राधा गोकुलानंद मंदिर में ही है साथ में विश्वनाथ चक्र ठाकुर की समाधि के साथ इनफैक्ट आप समाधि में जाएंगे तो वहाँ पर डेट लिखी है सेवनटीन सिक्सटी एट वो मंदिर वालों ने गलत लिख दी है तो वहाँ पर जाएंगे आप पढ़ वैसे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे बंगाली में लिखा है मगर अगर पढ़ भी पाएंगे तो वहाँ पे बंगाली में 1768 लिखा होगा एक्चुअली 1793 नाइन्टी थ्री है डेट ये हम कन्फर्म्ड है रिकॉर्ड से जयपुर के और इनफैक्ट इसीलिए और इससे हमें पता लगता है कि वो आ, कि वो सौ साल से अधिक हैं, क्योंकि मैंने बताया कि उनका उनका जन्म 1693 या उससे पहले भी हुआ है थोड़ा सा तो सौ साल से अधिक उनकी लाइफ रही है फुल लाइफ और पूरे जीवन उन्होंने गौड़िया वैष्णव सिद्धांत की रक्षा की विश्वनाथ विश्वचक्री ठाकुर के जाने के बाद वृंदावन में गौड़िया वैष्णव समाज के हेड वो बने बलदेव विद्याभूषण जी उनको छोड़ के गए इनफैक्ट राधा गोकिल आनंद जी जी का जो पूरा भार था जो वहाँ पे महाप्रभु की जो गोवर्धन शिला है नत्तमदास ठाकुर के गौरंग महाप्रभु हैं राधा गोविंद जी राधा विजय गोविंद और पूरे मठ का जो भार विश्व ठाकुर फिर बलदेव विद्याभूषण जी को दे गए सिर्फ मठ का ही नहीं पूरे गौड़िया वैष्णव समाज का और उसके बाद बलदेव विद्याभूषण जी गौड़िया वैष्णव समाज की रक्षा की पोषण किया और आगे बढ़ाया और फिर उसके बाद बलदेव भूषण जी के जाने के बाद फिर से गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में एक बहुत ए, ए, एक एक पूरा अंधेरा छा गया 1793 के बाद पूरे सौ साल पूरे सौ साल अप्रॉक्सीमेटली सौ साल तक गौड़िया वैष्णव संप्रदाय फिर से अंधेरे में चली गई और फिर से भक्ति विनोद ठाकुर प्रकट हुए भक्ति सिद्धांत और शीला प्रभुपाद जिन्होंने गौड़िया वैष्णव संप्रदाय को उठाया और पूरे संसार में प्रचार प्रसार किया एनी वही ये बलदेव विद्याभूषण जी हैं उनकी लेटर लाइफ वृंदावन में और इनफैक्ट हाँ एक चीज़ में बताना भूल गया बलदेव विद्याभूषण जी ने, ने काफ़ी किताबें लिखी हैं ऑफकोर्स उनकी जो मेन किताब है वो तो गोविंद भाष्य जिनकी वजह से हम जानते हैं अब बीस से अधिक किताब लिखी हैं अभी भी उनकी किताबें लोग रिसर्च कर रहे हैं और मैन्यूस्क्रिप्ट मिल रहे हैं कई किताबें उनकी खो भी चुकी हैं हमें पता है उन्होंने लिखी थी मगर उनकी किताबें खो भी हैं जैसे उन्होंने उपनिषदों पर कमेंट्री लिखी थी मगर कई कमेंट्रीज खो चुकी हैं अब वो लोग ढूंढ रहे हैं आज भी मिल रही है कई लोग रिसर्च कर रहे हैं बलदेव विद्याभूषण पर तो कौन कौन सी किताब है सबसे पहले तो गोविंद भाष्य वेदांत सूत्र पे कमेंट्री जो फेमस है उसका गीता भूषण है गीता पे कमेंट्री जिसके आधार पे प्रभुपाद जी ने अपनी गीता पिक के पे कमेंट्री लिखी है उसके बाद उन्होंने कई टीकाएँ लिखी हैं षट पे टीका लिखी है लघु भागवत अमृत पे टीका लिखी है स्तवमाला पे टीका लिखी है रूपा गोस्वामी की और फिर उनके ऑफकोर्स फिर उसके बाद उन्होंने शा, तो श्यामानंद शटक पे टीका लिखी है और फिर नाटक चंद्रिका पे टीका लिखी है तो ये उनके टीका ग्रंथ हैं और कुछ ग्रंथ उनके स्वलिखित ग्रंथ हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल गोविंद भाष्य सिद्धांत रत्न प्रमय रत्नावली वेदांत समक सिद्धांत दर्पण साहित्य कमोदी छंद कौस्तुभ पात कौस्तुभ काव्य कौस्तुभ और श्री श्री गोपाल टाप ने उपनिषद में भाष्य लिखा है और ऑफ कोर्स श्रीमद् भागवतम पे उन्होंने भाष्य लिखा है टेंथ कैंटो पे स्पेसिफिकली जिसका नाम है वैष्णम नंदिनी और आ, उन्होंने किताब लिखी ऐश्वर्य कदम्बनी प्रमय रत्नावली तत्व दीपिका उन्होंने किताब लिखी है ऐसी कई किताबें उन्होंने लिखी हैं और भी अभी लोग किताब ढूंढ रहे हैं मिल रही हैं जैसे मैंने बताया उपनिषद पर कमेंट्री लिखी है बट वो खो गई हैं बट बलदेव विद्याभूषण जी का कॉन्ट्रीब्यूशन हमारी संप्रदाय में बहुत रहा है और बलदेव भूषण विष्णु चक्रवेदी ठाकुर को साथ ही हम लोग पढ़ते हैं साथ ही लेते हैं हरे कृष्णा शिला प्रभु कीजिए